हेलो यूट्यूबर, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि यूट्यूब आपके वीडियो को प्रमोट क्यों नहीं करता, आपके वीडियो के ऊपर जो है इंप्रेशन क्यों नहीं देता। क्योंकि आपको भी पता है कि जब तक आपके वीडियो पे इंप्रेशन नहीं मिलेंगे आपका वीडियो चलेगा ही नहीं। जब आपका वीडियो पे इंप्रेशन नहीं मिलेंगे, आपके वीडियो पे व्यू नहीं आएंगे, तो सब्सक्राइबर कैसे आएंगे। जब सब्सक्राइबर ही लेवल आपका नहीं बढ़ेगा तो ग्रोथ कैसे होगा। तो आज हम इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही टॉपिक लाऊंगा जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। देखो मेरे भाई, YouTube जो है किसी भी चैनल को पर्टिकुलरली प्रमोट नहीं करता, किसी भी चैनल पे जो है एकदम से बूस्ट नहीं लाता है। वो बूस्ट आता कैसे है? आपको पता होगा YouTube का एक एल्गोरिदम होता है, YouTube अपने एल्गोरिदम के हिसाब से ही काम करता है। जब तक कि कोई वीडियो उसके एल्गोरिदम में फिट नहीं होगा, YouTube उसको प्रमोट नहीं करेगा। YouTube खुद से प्रमोट नहीं करता। YouTube कैसे काम करता है? AI के ऊपर काम करता है, वो एक मशीन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है कि कोई वीडियो जो है जो सर्चेबल हो, कंप्रेस्ड हो, SEO किया हुआ हो, उसका वीडियो डेफिनेटली शो होगा ही। लेकिन उसके बाद जो बात आती है वो थंबनेल की आती है, आपके वीडियो की लेंथ की आती है। क्योंकि आपको पता है कि आपका थंबनेल होगा तो वो क्लिकेबल होगा। अगर आपका लेंथ वीडियो का परफेक्ट होगा, यानी आप जो वीडियो बनाते हैं 2 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट का, तो वो कितना होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप YouTube के ऊपर कोई वीडियो बनाए तो 3 मिनट से ज़्यादा न बनाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो कोई भी इंसान आपके वीडियो को देखेगा वो ज़्यादा देर तक नहीं देखता है, कितनी अच्छा से भी अच्छा वीडियो बने। क्योंकि अभी आप नए हैं, है ना। अगर आप पुराने हो जाते तो कोई भी इंसान झक मार के आपके वीडियो देखेगा ही, क्योंकि वो देखेगा यार ये पुराना यूट्यूबर है, कोई बात नहीं, इसकी वीडियो को देखते हैं, कुछ तो कुछ इस वीडियो में होगा ही। तो देखोगे, जब भी आप YouTube के ऊपर वीडियो बनाने का सोचें ना, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करना होगा। आपको ये करना होगा कि आपको सबसे पहले एक सटल डाउन करना होगा कि भाई जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ना, सिर्फ 3 मिनट का ही वीडियो बनाने वाला हूँ, इससे ज़्यादा मुझे वीडियो नहीं बनाना। और उस 3 मिनट के अंदर में आपको जो बात आप बताना चाहते हैं ना व्यूअर को, आप वो बता सके। उससे ये फ़ायदा आपको मिलेगा कि भाई आपका जो वीडियो का लेंथ कम रहेगा ना 3 मिनट तक का, तो आपका जो रिटेंशन होता है ना वो काफ़ी बढ़ जाएगा। क्योंकि आपकी डेफिनेटली आपके वीडियो को कोई भी जो है ना 2 मिनट तक तो देखेगा ही, 1 मिनट तक तो देखना ही देखना है। यानी आपका जो वीडियो का रिटेंशन है ना वो 50% हो जाए, जिससे YouTube की जो एल्गोरिथम है उसको ये पता चलेगा कि भाई इस वीडियो के अंदर कुछ दम है, कुछ तो है जिससे कि व्यूअर जो है, यूज़र जो है देख रहा है। उससे क्या होगा कि आपका जो वीडियो है ना वो धीरे धीरे वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका वीडियो चलेगा। तो ये ट्रिक आपको सारे वीडियो पे लगाना है कि आपको जितनी वीडियो अपलोड करते हैं ना, सारा वीडियो आपका चलने लगे। क्यों चलने लगे है? क्योंकि YouTube आपके वीडियो को प्रमोट करेगा। जब तक आप ये ट्रिक नहीं करेंगे ना, तब तक वीडियो जो है आपका नहीं चलेगा। क्योंकि आप वीडियो बना लेंगे 6 मिनट का 7 मिनट का और काफ़ी डिटेल्स में बताएंगे और काफ़ी टाइम लेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना। जो जो आगे जो वीडियो को देख रहा है ना, उसको भी पता है कि भाई मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, और उसको कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ को ही समझना होता है। तो अगर आप सारी चीज़ बताने लगेंगे ना, जिससे कि यूज़र भी बोर हो जाएगा कि भाई यार ये तो मुझे पता है, पका मत, चलो उसको स्किप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो यार मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो वीडियो हो ना वो कंप्रेस्ड हो, जितना कम से कम मिनट का बनाएंगे आप ना, 2 मिनट का 3 मिनट का वो इनफ है, इससे ज़्यादा कोई देखता नहीं है मेरे भाई। तो आपको बस करना यही है कि आपका जो वीडियो का लेंथ है उसको छोटा कर देना है, और आपको पता है कि भाई जो थंबनेल है ना उसको अच्छा बनाना ही है। लेकिन ये सब होने के बाद भी अगर आपका थंबनेल अच्छा है और आपका वीडियो का लेंथ ज़्यादा है, तो व्यूअर कोई भी आएगा आपके वीडियो को देखेगा 1 मिनट 2 मिनट, उसके बाद उसको हटा लेगा, उस पर से हट जाएगा, तो आपका जो रिटेंशन है वो घट जाएगा, बहुत घट जाएगा। उससे क्या होगा, आपका वीडियो का जो इंप्रेशन जो बनेगा ना यूट्यूब के सामने, वो ऐसा लग बनेगा कि भाई ये वीडियो में कोई दम ही नहीं है, इसको आगे भेजनी अच्छी बात नहीं, जो दूसरा वीडियो है ना उसको प्रमोट करो। तो आपका वीडियो इसी में दब के नीचे रह जाएगा, अच्छा वीडियो होने के बावजूद भी। तो आपको करना क्या है, YouTube के एल्गोरिदम के हिसाब से ही चलना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जोर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो आपकी हेल्प कर सके। तब तक के लिए जय हिंद।